वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐश के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमोन्स के बारे में। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इस बात पर नोटिस जरूर से किया होगा कि जब भी ऐश किसी न्यू रीजन में सफर करता है तो उसका पहला पोकेमोन, ज़्यादातर रीजन में ऐश का पहला पोकेमोन कहीं ना कहीं एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन ही होता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना लिया जाए। तो यस, वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो लिस्ट के नंबर 10 पर जो पोकेमोन आता है, यस, उसका नाम है बटरफ्ली। बटरफ्ली ऐश का पहला कैच किया हुआ पोकेमोन है कैंटो रीजन का, या फिर कह सकते हैं कि पहला पोकेमोन भी हम उसे कह सकते हैं। बट ऑब्वियसली पहला पोकेमोन पिकाचू था, पर हम बटरफ्ली को एज अ पहला ऐश का कैच किया हुआ भी पोकेमोन कह सकते हैं। ऐश ने तब उसे पकड़ा था जब वो कैटपी के फॉर्म में था, और आगे जाकर 2-3 एपिसोड के बाद ही कैटपी फाइनली बटरफ्ली में इवॉल्व हो गया। बटरफ्ली कैंटो रीजन का एक बग और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है, जो कि ऐश का पहला कैच किया हुआ पोकेमोन है। हालांकि अगर पावर की बात करें तो बटरफ्ली में इवॉल्व होने के बाद हमें बटरफ्ली का कोई भी ऐसा ऑफिशियल बैटल देखने को नहीं मिला जिससे कि हम ये आइडिया लगा सके कि बटरफ्ली कितना ज़्यादा पावरफुल है। बट फिर भी अगर देखा जाए, मैं कंपेयर करना चाहूँगा बाकी बटरफ्ली के साथ ऐश के बटरफ्ली को, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश का बटरफ्ली बाकी किसी भी बटरफ्ली के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब 3 रॉकेट ने सारे बटरफ्ली को कैच कर लिया था, तो सारे बटरफ्ली मिलकर भी 3 रॉकेट को नहीं रोक पाए। वही ऐश के बटरफ्ली ने ना ही सिर्फ जाल को तोड़ा बल्कि 3 रॉकेट को रोककर सारे बटरफ्ली को भी आज़ाद होने में मदद की। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग नो डाउट कि ऐश का बटरफ्ली किसी भी बाकी बटरफ्ली के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए आज की वो लिस्ट में नंबर 10th पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। लिस्ट के नंबर 9 पर जो पोकेमोन आता है वो है अनफ्रेजेंट। अनफ्रेजेंट यूनोवा रीजन का एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है जिसे कि ऐश ने तब पकड़ा था जब वो पीडाउट था। वेल, अगर देखा जाए तो बाकी रीजन्स की तरह यूनोवा रीजन में भी ये ऐश का पहला कैच किया हुआ पोकेमोन था, जो कि था एक फ्लाइंग टाइप। और यही ऐश का कैच किया हुआ पीडाउट आगे जाकर ट्रैंक्विल में इवॉल्व होता है, जो कि पर्सनली बताऊँ तो स्टाइल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कूल है और मेरा फेवरेट पोकेमोन भी है। और बाद में एक जिम बैटल के दौरान वही ट्रैंक्विल अनफ्रेजेंट में इवॉल्व हो जाता है और उस स्काइलर को बैटल में डिफीट कर देता है। हालांकि अगर देखा जाए तो पावर के कंपेयर में अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी अनफ्रेजेंट ऐश के अनफ्रेजेंट के साथ, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐश का अनफ्रेजेंट कहीं ना कहीं बाकी अनफ्रेजेंट के कंपेयर में थोड़ा पीछे हो जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रेनिंग, क्योंकि अनफ्रेजेंट को पूरे सीरीज के दौरान उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन सके। हालांकि उसने जितने भी बैटल किए उनमें से कुछ बैटल्स वो जीता है और काफ़ी सारे बैटल वो हारा भी है। कह सकते कि इक्वल है, 50-50 बैटल वो जीता है और हारा है। बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग सारे जितने भी ऐश के फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है उनमें से मेरे ख्याल से अनफ्रेजेंट सबसे कमज़ोर है, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा मानना है। बट फिर भी अनफ्रेजेंट ने काफ़ी सारे बैटल्स जीते भी और काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमोन्स को भी बैटल में डिफीट किया है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अनफ्रेजेंट आज की लिस्ट में नंबर 9th पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर 8 पर आता है दो पोकेमोन, जो कि है स्टार रैप्टर और ग्लाइस्कोर। तो अगर देखा जाए तो स्टार रैप्टर और ग्लाइस्कोर दोनों ही सिनोह रीजन से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें स्टार रैप्टर की, तो स्टार रैप्टर एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है। वही ग्लाइस्कोर एक ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है। दोनों ही सिनोह रीजन में ऐश के पोकेमोन थे, और देखा जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। दोनों ने ही काफ़ी सारे बैटल्स लड़े हैं, और ऐश ने इनके शुरू के फॉर्म्स यानी कि ग्लाइस्कोर के पहले फॉर्म ग्लाइगर और स्टार रैप्टर का पहले फॉर्म स्टारली को ही
पहली बार पकड़ा था और बाद में जाकर ये इवॉल्व हुए अपने फाइनल एवोल्यूशन में। दोनों ही काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते हैं और अपने पूरे रीजन और सफ़र के दौरान दोनों ही पोकेमोन काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमोन्स को बैटल में डिफीट करते हैं और मेरे ख्याल से दोनों ही पोकेमोन इक्वल रैंक पर आना बिल्कुल ही डिजर्व करते हैं और मेरे ख्याल से दोनों ही पोकेमोन नंबर 8 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करते हैं। नंबर 7 पर आता है राउलेट। राउलेट एक अलर रीजन का ग्रास और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है। अगर देखा जाए तो पूरे सीरीज में मैंने अभी तक जितने भी पोकेमोन की सीरीज देखे हैं उनमें से किसी भी सीरीज में या रीजन में अभी तक एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन वाला पोकेमोन नहीं देखा है जो कि ग्रास और फ्लाइंग टाइप का हो। एक लौता राउलेट ही वो पोकेमोन है जो कि ग्रास और फ्लाइंग टाइप का है। वेल, अगर देखा जाए तो राउलेट एक ऐसा पोकेमोन है जो कि नो डाउट ऑलर रीजन के एश की टीम में सबसे पावरफुल पोकेमोन में से एक है, क्योंकि इसने अपनी एवोल्यूशन फॉर्म को बैटल में डिफीट किया है और किसी भी पोकेमोन के लिए अपने एवोल्यूशन फॉर्म को डिफीट करना बहुत ही बड़ी बात होती है और मेरे ख्याल से राउलेट आज की लिस्ट में नंबर 7th पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर 6, टेलोफ्लेम। टेलोफ्लेम कालोस रीजन में एश की टीम में एक फ्लाइंग और फायर टाइप का पोकेमोन था। नो डाउट कि कालोस रीजन में जितने भी पोकेमोन थे एश के, उनमें से टेलोफ्लेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमोन में से एक था। टेलोफ्लेम को एश ने शुरुआती रीजन के सफर में ही कैच कर लिया था। हालांकि इस बार कुछ अलग हुआ क्योंकि रीजन की शुरुआत में ही एश का पहला पोकेमोन था फ्रॉगी और दूसरा जो पोकेमोन बना वो था टेलोफ्लेम का पहला एवोल्यूशन फॉर्म जो कि बाद में जाकर इवॉल्व हुआ एंड फाइनली जब सेकेंड स्टेज में इवॉल्व होने के बाद उसका सामना हुआ लेजेंडरी पोकेमोन मोल्ट्रस के साथ एक वोल्केनो के अंदर। और मोल्ट्रस के साथ सामना करते वक्त फाइनली अपनी सेकेंड एवोल्यूशन फॉर्म से वो बन गया टेलोफ्लेम और नो डाउट कि टेलोफ्लेम में इवॉल्व होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया और मोल्ट्रस को भी कुछ वक्त के लिए काफ़ी अच्छी खासी टक्कर भी दी है इस पोकेमोन ने। तो और अगर बात करें कालोस रीजन की तो नो डाउट कि उसमें भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और इसने पूरे रीजन और सफ़र के दौरान काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमोन्स को बैटल में डिफीट किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से टेलोफ्लेम आज की लिस्ट में नंबर 6th पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। वैसे क्या टेलोफ्लेम के पहले एवोल्यूशन फॉर्म का नाम आप लोगों को याद है? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, पिचियोड। पिचियोड एश का कह सकते हैं दूसरा पोकेमोन था कैंटो रीजन में। जब एश वीडियन जंगल से सफ़र कर रहा था तब वो पहली बार एक पिचियोडो को देखता है और उसे पकड़ता है जो कि पूरे रीजन और पूरे सफ़र के दौरान कैंटो रीजन में एक पिचियोडो बनकर ही सारे पोकेमोन के साथ बैटल करता है। हालांकि पिचियोडो ने पूरे सफ़र के दौरान ज़्यादातर ऑफिशियल बैटल नहीं किया है बट फिर भी एक दो बैटल किए हैं और उनमें से वो ज़्यादातर बैटल जीता है। अपने पूरे सफ़र में पिचियोडो बनकर सफ़र करने के बाद आखिरकार वो फिर से विरिडियन जंगल में लौटने के बाद वो पिचियोड में इवॉल्व हो जाता है। वैसे तो हमने तब पिचियोड की पावर उतनी अच्छे से नहीं देखी है क्योंकि सब एक ही बैटल हुआ पिचियोड का जो कि था स्पैरो के अगेंस्ट, जो कि काफ़ी अच्छा था और उसने काफ़ी अच्छे से स्पैरो को डोमिनेट किया। तो मेरे ख्याल से पिचियोड काफ़ी पावरफुल है और इसीलिए मेरे ख्याल से आज की लिस्ट में पिचियोड नंबर 5th पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर 4, चारिज़ार्ड और ड्रैगनाइट। देखा जाए तो अगर मैं इस पूरे लिस्ट में अगर पावर का कंपैरिजन करूं तो नो डाउट कि जितने भी लिस्ट में पोकेमोन है, यहाँ तक कि नंबर 1 को भी अगर मैं गिन लूँ, फिर भी उनकी पावर चारिज़ार्ड और ड्रैगनाइट की जितनी नहीं होने वाली। बट क्योंकि यहाँ पर हम बात करें सिर्फ फ्लाइंग टाइप के अकॉर्डिंग, तो फ्लाइंग टाइप के अकॉर्डिंग नो डाउट कि चारिज़ार्ड और ड्रैगनाइट आज की लिस्ट में इस पोजीशन पर आना डिजर्व करते हैं। बट फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ फ्लाइंग टाइप के अकॉर्डिंग उन्हें गिन रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो चारिज़ार्ड और ड्रैगनाइट दोनों ही अपने अपने सफ़र में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। स्पेशली चारिज़ार्ड का तो मैं खैक हूँ, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक बात है ड्रैगनाइट की, तो ड्रैगनाइट ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने पूरे सफ़र के दौरान। काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमोन्स को भी चारिज़ार्ड और ड्रैगनाइट ने बैटल में डिफीट किया है। तो इसीलिए चारिज़ार्ड और ड्रैगनाइट आज की लिस्ट में नंबर 4th पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करते हैं। नंबर 3, नॉयवन और हालूचा। नॉयवन एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है, वही हालूचा एक फ्लाइंग और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है।
जो कि सचमुच बहुत ही यूनिक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्लाइंग टाइप फाइटिंग टाइप के खिलाफ पावरफुल होता है और दोनों ही कॉम्बिनेशन हलूचा के पास है। और अगर वही देखें नॉइवन, तो नॉइवन भी ड्रैगनाइट की तरह ही एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है। और दोनों ही पोकेमॉन कालोस रीजन में ऐश की टीम में थे और दोनों ही पोकेमॉन ने अपना जलवा बहुत ही अच्छे से अपने हर एक बैटल में दिखाया, जहाँ पर उन्होंने हर एक पावरफुल अपोनेंट को बैटल में डिफीट किया और काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स का भी बैटल में सामना किया था। स्पेशली नॉइवन ने जैपडोस तक को बैटल में अच्छी खासी टक्कर दी थी और ऑलमोस्ट कह सकते कि वो जीतने ही वाला था। तो कह सकते कि नॉइवन हलूचा दोनों ही बहुत ही पावरफुल है। हलूचा ने भी अपनी जगह बहुत ही अच्छे से बना रखी है इस लिस्ट में, क्योंकि वो भी काफ़ी पावरफुल है, ऐसा हमने कालोस रीजन के हर एक बैटल में भी देखी है। तो इसलिए नॉइवन और हलूचा दोनों ही आज की लिस्ट में नंबर 3rd पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करते हैं। नंबर 2 नॉकटाउल। नॉकटाउल एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है जोटो रीजन से। जब जोटो रीजन का सफर शुरू हुआ तब आई थिंक नॉकटाउल ऐश का तीसरा या चौथा पोकेमॉन था जिसे कि ऐश ने कैच किया था, वो भी बहुत ही मुश्किल से, बिकॉज नॉकटाउल एक बहुत ही इंटेलिजेंट पोकेमॉन है। अगर बात की जाए बैटल की तो नो डाउट कि उसमें भी नॉकटाउल बहुत ही स्मार्ट है और अपने हर एक मूव का इस्तेमाल करना वो अच्छे से जानता है, और यह बात ऐश भी जानता है क्योंकि उसने भी नॉकटाउल का सामना किया था। और अगर देखा जाए तो नॉकटाउल वैसे तो एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है, फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरे सफर के दौरान नॉकटाउल ने भी अपने पूरी सीरीज में काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को बैटल में डिफीट किया है और बाद में और एक कई सारे रीजन्स में भी वो वापस आया है और काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को बैटल में डिफीट किया है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नॉकटाउल कितना ज़्यादा काबिल पोकेमॉन है, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और इसी वजह से नॉकटाउल आज की लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। फाइनली नंबर 1 स्वेलो। वेल, स्वेलो को तो आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैं तो श्योर कह सकता हूँ किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि स्वेलो नंबर 1 पर होगा। देखा जाए तो स्वेलो अपने पूरी सीरीज में काफ़ी पावरफुल था, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बैटल नहीं था जो कि स्वेलो हारा है। आई थिंक एक या दो बैटल ही वो हारा है, इसके अलावा स्वेलो कोई भी बैटल नहीं हारा है। और पूरे सीरीज में अगर देखा जाए तो स्वेलो एक बहुत ही जोशीला पोकेमॉन है, बहुत ही पावरफुल है, और हारना मानने वाली वो जो उसकी काबिलियत है वो उसे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है बाकी पोकेमॉन के कंपेयर में। स्वेलो ने अपने बैटल के दौरान मल्टीपल पोकेमॉन्स को बैटल में डिफीट किया है, पहले एक पोकेमॉन को फिर एक पोकेमॉन को, ऐसा वो बहुत बार कर चुका है। और स्वेलो ने कई बार प्रूव किया है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा जोशीला है, और जब उसे गुस्सा आता है तब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो यस, स्वेलो आज की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे ये मेरी खुद की बनाई हुई लिस्ट है, अगर आप इस लिस्ट से सहमत नहीं है तो आप अपनी लिस्ट बनाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।